दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी मंडली की सदस्य अंकिता चौहान की लिखी कहानी जो यहीं रह गया। सुबह हो चुकी थी। मैं ऊँघते हुए पापा के बिस्तर के पास पड़ी कुर्सी से खड़ा हुआ और खिड़की पर पड़ा सफेद पर्दा एक ओर सरका दिया। धूप का एक अदद टुकड़ा पापा के तकिए के एक कोने पर आकर ठहर गया। एक अरसे बाद इतने गौर से देख रहा था उन्हें। उनके चेहरे पर खिंची आड़ी टेढ़ी लकीरें गहरी हो चुकी थीं, जैसे बीते वक्त की अदबुनी दास्तान कह रही हों। कल रात हॉस्पिटल में उनको अचानक भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए और तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर फिट कर दिया। बेहोशी की हालत में उनके होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे। मैं घबराया हुआ पूरी रात उनकी हथेली मसलता रहा। यकीन करना मुश्किल था कि कल तक चलते फिरते पापा आज इतने मेडिकल इक्विपमेंट्स के बीच घिरे होंगे। मैं कभी पापा के इतने करीब नहीं था, लेकिन माँ के तो था, और माँ के जाने के बाद वो एकदम अकेले हो गए थे। ऐसा नहीं था कि मैंने कभी उनके लिए वक्त निकालने की कोशिश नहीं की हो, लेकिन एक खामोशी थी हमारे बीच। सन्नाटे से भरी एक खाई जिसके सिरों को माँ ने अब तक जोड़े रखा था, और माँ के जाने पर रिश्ते के वो दो सिरे अनाथ सा महसूस कर रहे थे। जब से मैंने होश संभाला, पापा को ऐसे ही तो देखा था। कम बोलना, अपने में सिमटे रहना, मुफ्त की मुस्कान को भी सोच समझ कर खर्च करना, और उनकी इसी आदत के चलते उनके और मेरे बीच एक संकोच ही बना रहा। उधर माँ पापा के बिल्कुल उलट थीं। उनका वो बात बात पर मुस्कुराना, अपनी आवाज से जिंदगी में खनक घोल देना, सच में माँ पापा दोनों एकदम डेडली कॉम्बिनेशन थे। उनके बीच कभी झगड़ा भी होता तो माँ के पास शब्दों की नरम नरम बौछारें होती, और पापा के पास होती भी तो बस एक चुप्पी। यही कारण था कि मैं कभी पापा से जुड़ ही नहीं पाया, और माँ के होते मुझे उनसे सीधे बात करने की कभी ज़रूरत भी तो नहीं पड़ी थी। मैंने ख्यालों से खुद को वर्तमान में खींचा और गीले रुमाल को पापा के सूखे होठों पर फेरते हुए सिस्टर को आवाज़ दी। उनकी ड्रिप चेंज करने का वक्त हो गया था। इस ग्लूकोज की बोतल से टिप टिप गिरती बूंदें हमारे बीच बीती शाम हुई बहस की कहानी कह रही थीं। पापा घर के आंगन में लगे एक पेड़ के कटने पर इस कदर टूट गए थे कि खुद के साथ साथ मुझे भी सजा दे रहे थे। माँ को गए 8 महीने हो चुके थे, लेकिन पहली बार उनकी कमी मेरे वजूद को हिला गई थी। मैं पापा को अकेले संभाल भी पाऊंगा या नहीं, ये उलझन मुझे मेरे ही सवालों में कसने लगी थी। पापा को हॉस्पिटल में लाए 12 घंटे हो चुके थे। सिस्टर उनकी ड्रिप चेंज करके मुझे दवाइयों की तीसरी पर्ची पकड़ाते हुए वापस चली गई। मैं ऑलमोस्ट भागता हुआ फिर मेडिकल शॉप के सामने था। पैर कांप रहे थे। कल रात से मैं इसी तरह अस्पताल में ऊपर नीचे चक्कर लगा रहा था। दवाइयों को पैक करवा कर इस बार पापा के पास लौटने के बजाय मेरे लड़खड़ाते कदम हॉस्पिटल के बाहर बने गार्डन की ओर बढ़ गए। मेरे कंधे ढीले पड़ गए थे, आंखें थकी थीं। दवाइयों की थैली को दोनों घुटनों के बीच लटकाए मैं वहीं पड़ी एक बेंच पर टिक गया और मन 16 साल पहले की यादों में खो गया। 10 साल का था जब पापा ने हमारे लिए ये घर खरीदा था। खुश था मैं। मुझे पतंग उड़ाने के लिए छत मिली थी, और मुझसे कई ज्यादा खुश माँ थीं, क्योंकि उन्हें उस अधूरे बने मकान में 2 कमरों के बीच खुला कच्चा आंगन मिल गया था, जिसमें आते ही उन्होंने मिट्टी का चूल्हा बना लिया। फिर भी उन्हें वो आंगन शायद अधूरा लगा। तभी तो एक दिन पड़ोस वाली मिश्रा आंटी से तुलसी का एक पौधा मांग लाई। कमरे से आंगन में खुलती खिड़की के सहारे वो धीरे धीरे अपनी एक छोटी सी बगीची बनाती जा रही थी। पहले तुलसी आई, फिर तुलसी का साथ देने पुदीना, और फिर उन नरम पौधों को सूरज की आग उबलती गर्मी से बचाने के लिए गुड़हल के पौधे की एक डाल भी आ गई। पापा ने माँ के इस दिन ब दिन बढ़ते अतिक्रमण से परेशान होकर कह दिया, ये सही नहीं है,
दो चार महीने और लगा लो ये फूल पत्ती जी भर के, फिर यहाँ हॉल बनेगा, सब हटाना पड़ेगा। जब बनेगा तब बनेगा, अभी जरा वो खुरपी पकड़ा दो। माँ ने कहा और उस गुड़हल की डाल पर उगी दो चार पत्तियों को सहलाते हुए मुस्कुरा भर दी। मैं छत पर खड़ा सब देख रहा था। मैंने उस गुड़हल की डाल को लगते देखा, उसकी मिट्टी पर माँ की ही नहीं पापा की भी हथेली लगी थी। उधर उस डाल को लगे साल भर हो आया था, लेकिन फूल तो छोड़ो, उस पौधे पर नई डालियां तक नहीं भरी थीं। इस बीच माँ ने पापा से वो अपनी बगीची कैसे बचाए रखी वो तो नहीं पता, पर एक शाम माँ खुद ही गुस्से में रसोई से पालक काटने वाला हसिया उठाकर आंगन की ओर बढ़ गई। उस दिन पापा की आंखों में एक हैरानी थी और मेरी आंखों में एक सवाल, क्या माँ सच में सब उखाड़ देंगी, पुदीना तुलसी गुड़हल सब? मैं नंगे पैर ही माँ के पीछे पीछे चला आया। आंगन में पहुंचकर देखा, माँ खुशी से लंबे कदम भरते हुए खाद की थैली उठा लाई और चहकते हुए बोली, जल्दी आ देख पहली कली आ गई। कमरे की खिड़की से झांकते पापा और मैं उस सामान्य से गुड़हल के पौधे को दुनिया के आठवें अजूबे की तरह घूर रहे थे। उस पौधे की एक डाल पर लगी अधखुली लाल कली नई दुल्हन की तरह शर्माई खड़ी थी। अब तक माँ ने खाद को गोबर में मिलाकर गुड़हल की जड़ों में जमा दिया। पूजा की अलमारी से लाकर वो लाल रंग का डोरा भी उसके तने से बांधा गया। उस दिन न जाने पापा ने क्या देखा क्या सोचा, लेकिन माँ की उस बगीची को हटाने की बात फिर घर में कभी उठी नहीं। मैं नहीं जानता था कि वो बेख्याली थी या माँ को लेकर उनके अंदर ठहरा प्यार जिसे उन्हें जाहिर करना ना आता हो, लेकिन माँ खुश थी, उनका वो पौधा भी खुश होगा। तभी तो कुछ ही दिनों में उसकी डालियां इतने फूलों से भर गईं कि हमारे घर के अलावा आस पड़ोस में हर शुक्रवार को लक्ष्मी माँ के लिए पूजा के फूल माँ के बागीचे से जाने लगे। वो पौधा धीरे धीरे जैसे हमारे वजूद का हिस्सा होता जा रहा था। सुबह आँख खुलते ही खिड़की से झांकती उसकी कोमल डालियां और उस पर गुनगुन करते पक्षी हमारी अलसाई सुबहों को जिंदगी से भर जाते। उधर वो पौधा छज्जे को छूने की कोशिश में लगा था, इधर मैं 12वीं की परीक्षा देकर बाहर पढ़ने चला गया। उस दौरान छुट्टियों में जब भी लौटकर घर आता तो उस बगीची में कुछ नए पौधे दिखते, कुछ पौधे गायब भी हो जाते, लेकिन वो गुड़हल का छटाक भर का पौधा जिसने एक साल तक बढ़ने से भी इनकार कर दिया था, वो मुझे कुछ और बड़ा, कुछ और डालियों और फूलों से लदा हुआ मिलता। उम्र ढलने के बावजूद माँ ने उसकी सेवा करना नहीं छोड़ा था, वक्त भाग रहा था। मैंने घर लौटकर पापा का फर्नीचर का बिजनेस संभाल लिया। मेरी आंखों में उनकी इस छोटी सी दुकान को और आगे तक ले जाने का सपना था। इस अधूरे बने घर को जिसे मेरी जरूरतों के चलते पापा आज तक पूरा नहीं कर पाए थे, इसे पूरा करने का सपना था। लेकिन तब मैंने कहाँ सोचा था कि जिस अधबुने सपने को, हमारे इस घर को मैं पूरा करना चाह रहा था, वो घर माँ के जाने के बाद सिर्फ मकान बन के रह जाएगा। मैं अपनी अतीत की यादों से उस दिन को चाहकर भी नहीं मिटा सका था। उस दिन घर की दीवारें दिल को चीरती खामोशी में लिपटी थीं। आंगन में उसी गुड़हल के पेड़ के पास माँ का पार्थिव शरीर रखा था। मैं सदमे में था, मानो पल भर में एक बच्चे से उसका बचपन छीन लिया गया हो। मेरे लिए ये विश्वास करना नामुमकिन था कि कल से न तो माँ की प्यार भरी डांट मिलेगी और न ही मेरे घर में घुसते ही उनका वो बिना भूले किया सवाल कि सारा दिन दुकान में लगा रहा, कुछ खाया तूने, जिसके साथ हर सांस जुड़ी थी, जिसके चेहरे को सामने पाकर सुबह होने का पता मिलता था, अब वो माँ साथ नहीं थी, लेकिन पापा को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। मैं बेसुध सा बैठा था और वो निर्भाव चेहरा लिए माँ के अंतिम संस्कार की सारी रस्में निभाते जा रहे थे। लगा जैसे ये भी उनका रोज का काम हो। पहली बार उनकी हालत पर मुझे गुस्सा कम तरस ज्यादा आ रहा था। धीरे धीरे उस बात को 8 महीने बीत गए थे। इस बीच माँ का वो बागीचा पानी देने के बावजूद दिन ब दिन सूख रहा था।
पौधे मुरझाने से लगे थे। पापा के चेहरे पर जरूर एक उदासी बिखरी थी। अब कोई नहीं था जो उनके बिना कहे हर बात बस आंखों के इशारे भर से समझ ले। वो पहले भी चुप थे और माँ के बाद भी चुप ही बने रहे। दुकान पर आना भी कम कर दिया था। कभी कभी उनकी आंखों में पसरा सन्नाटा मुझे अंदर तक झिंझोड़ देता। जी करता कैसे भी करके उन्हें अब इस चुप्पी की कैद से आजाद करवा लूं, और इसीलिए मैंने दुकान को और बढ़ाने का फैसला किया। सोचा था पापा का ध्यान शायद बिजनेस की ओर मोड़कर उन्हें फिर से जीने की वजह दे पाऊंगा। और उस शाम मैं उस आइडिया पे बात करने उनके कमरे में पहुंचा। मैंने उन्हें घर में पड़े उस कच्चे आंगन को गोडाउन में बदलने की बात बताई ही थी कि वो झल्ला पड़े। बोले, मेरे जीते जी कुछ नहीं बदलेगा, मैं मर जाऊं तो करते रहना मनमानी। मैं उस दिन खुद को रोक नहीं सका। माँ को खो देने का दुख था या कुछ और। मैंने कहा, आपकी इसी दिन रात की बेमतलब जिद ने माँ को मुझसे छीन लिया, वरना ऐसे अचानक बिना कुछ कहे सुने नहीं चली जाती। आपको न तब कोई फर्क पड़ता था ना अब। बहुत कुछ भरा था मेरे अंदर। उस शाम सब बह गया। उधर पापा फिर वही बात दोहराते हुए चुप हो गए कि जो बनाना है बना, ये पेड़ यहां से नहीं हटेगा। मैं पापा से नाराज था, बेहद नाराज। जी चाह रहा था अब उनकी कोई बात नहीं सुनूं। हमारे बीच वैसे भी ऐसी कौन सी बातचीत होती थी जो बंद हो जाएगी। इसी उधेड़बुन में रात बीत गई। अगली सुबह कुछ धीमी थी। खिड़की खुलते ही वो गुड़हल का पौधा फिर आंखों के सामने था, थोड़ा और मुरझाया हुआ। मैं फैसला ले चुका था। समझा दिया कारीगर को, ये 2 गज बगीचे की जमीन को छोड़ के बाकी जगह काम शुरू कर दो है। पापा को अब कोई आपत्ति नहीं होगी, यही सोचकर मैं दुकान चला गया। अभी ठीक से दुकान में घुसा भी नहीं था कि फोन गनगना पड़ा। मुझे तुरंत घर लौटना था। मन में उमड़ते कई सवालों को थामे जब घर पहुंचा तो सब ठीक था। वो आंगन में खड़े थे लेकिन उनका चेहरा सुर्ख था। मेरे आगे बढ़ने के पहले ही आंगन की तरफ से भागता हुआ कारीगर मेरे पास आया। देखिए शेखर जी, कैसा उत्पात मचाए बाबूजी। तनिक कुल्हाड़ी क्या लग गई उस झाड़ को, कितना कुछ सुनाई दिया हमको। मेरी कांपती नजरें उस गुड़हल के पौधे पर थीं, जिसका तना एक ओर लटका पड़ा था। कल तक छज्जे को छूती उसकी डालियां कच्चे आंगन की मिट्टी में लिपटी थीं। मेरी आंखों में नमी सी तैर गई। उधर पापा घबराए से उस टूटे हुए पौधे को फिर से खड़ा करने की लगातार कोशिश कर रहे थे, ये जाने बिना कि वो पौधा अपनी जड़ें खो चुका था। और जब उन्हें कुछ नहीं सूझा तो वो मेरी ओर गुस्से से देखते हुए बोले, अब तो होश है ना तू। ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए और कमरे की खिड़की जो आंगन में खुलती थी वो बंद हो गई। वो टूटा हुआ गुड़हल का पौधा उसी हालत में पड़ा रहा। और उसी रात पापा की हालत अचानक बिगड़ गई, इतनी कि उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा था। मेरी बीती जिंदगी आंखों के सामने एक परछाई की तरह निकल चुकी थी। मैं यहाँ हॉस्पिटल के इस गार्डन एरिया में पड़ी इस बेंच से उठकर अपना भीगा मन लिए पापा की दवाइयों को संभालता हुआ उनके वार्ड में आ पहुंचा। हॉस्पिटल वार्ड में दाखिल होते ही देखा डॉक्टर पापा के बेड के पास खड़े थे। मुझे एक ओर ले जाकर रिपोर्ट्स पलटते हुए वो मुझसे बोले, एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं इसे, जो नॉर्मल दिखता है लेकिन प्रिकॉशन ना लेने पे शरीर पे हावी हो जाता है। वो कुछ ठहर कर मुझे समझाने लगे कि माँ के जाने के बाद का अकेलापन शायद पापा को परेशान कर रहा था, मुझे उनके साथ कुछ समय बिताना चाहिए। कैसे बताता उन्हें कि बात करना तो दूर, अब वो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे। 8 दिनों में भी कोई खास रिकवरी ना होते देखकर मैं पापा को अस्पताल से घर ले आया था। उन्हें कमरे में लिटाकर इतने दिनों से बंद पड़ी खिड़की खोल दी। मेरी नज़र बाहर गई। आंगन में सूनापन पसरा था और आंगन से ज़्यादा सूनापन पापा के चेहरे पर था। मैंने उनके इर्द गिर्द उदासी की एक डोर सी लिपटी देखी थी। कुछ भी करके मैं उन्हें उसी हालत में देखना चाहता था जैसा माँ उन्हें छोड़ गई थी। दिल में एक उम्मीद लिए मैं उसी शाम नर्सरी से गुड़हल के 2 पौधे ले आया। कुछ झिझकते हुए मैं पापा के कमरे में गया। वो अपने बिस्तर पर सीधे लेटे थे।
मैंने हथेलियों को सामने करते हुए कहा, पापा देखो ना, एक नहीं दो दो पौधे लाया हूं, वही जो माँ को पसंद थे। लेकिन जैसे उन्होंने मुझे सुनकर भी अनसुना कर दिया था। इससे पहले मैं कुछ और कहता, उन्होंने करवट लेते हुए मुंह मोड़ लिया। पापा का शरीर बिस्तर के एक ओर सिमट गया था और मुझे वो जगह साफ दिख रही थी जहां अक्सर माँ बैठी मिलती थी, जो जगह शायद पापा ने जानबूझकर अब तक खाली छोड़ रखी थी। मेरा जी भर आया। पौधों को वहीं टेबल पर सरकाकर मैं तेज कदमों से अपने कमरे में लौट गया। दिल में उमड़ते दर्द को सहलाते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह उठा तो सर भारी था। आंखों को मसलते हुए मैं आंगन में पहुंचा तो जो देखता हूं, पापा दीवार के सहारे सहारे चलते हुए उसी बगीची के पास आ पहुंचे थे। कुछ देर तो वो यूं ही खड़े रहे, अपने हाथों में मेरे लाए पौधों को थामे उन्हें गहरी आंखों से देखते रहे, फिर अपनी कांपती उंगलियों से बगीची में बिखरी मिट्टी ढीली करते हुए उनसे बातें करने लगे, रह रहकर उनसे माफी मांगने लगे कि वो उनके पेड़ को कटने से नहीं बचा पाए। कुछ अनकही शिकायतें भी थी शायद माँ से, जो अब सुलझ रही थी। मैं चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सका, आंगन की दीवार से सट कर खड़ा रहा और माँ के वजूद का वो हिस्सा देखता रहा जो यहीं रह गया था। पापा अपनी अकड़ भरी टूटती आवाज में कह रहे थे, तो तुम वापस आ ही गई। फिर मेरी मौजूदगी का एहसास होने पर कुछ मुस्कुराकर मेरी ओर देखा और बोले, शेखर जा खुरपी ले आ, खाद भी और एक बाल्टी पानी भी लेते आना। अभी लाया पापा, कहते हुए मेरा गला भर गया। मैं स्टोर रूम की तरफ दौड़ पड़ा। लगा जैसे इस घर की खोई आवाज वक्त की दीवारों से टकरा कर आज वापस लौट आई थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।